थाने में इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 5 लोग हुए गिरफ्तार। कोरोना काल में हो रही है इंजेक्शन की कालाबाजारी। ब्रह्मा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने में एंटी एक्सट्रॉशन सेल ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन टॉसिलीज़ुमाब और रेमडेसिविर का कालाबाजारी करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाने मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये गिरोह महंगे कीमत में इन दोनों इंजेक्शनों को बेचते थे। एक तरफ सरकार कोरोना नियंत्रण करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ ये गिरोह लोगों को गुमराह करके इंजेक्शन की कालाबाजारी करते थे। वर्तमान में कोई भी कोरोना की दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वहीं इस इंजेक्शन की कालाबाजारी का भंडाफोड़ कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाने से लेकर मीरा रोड तक इसके तार जुड़े हुए थे। ये लोग रेमडेसिविर और टॉसिलीज़ुमाब 25,000 से लेकर 80,000 रुपया तक बेचते थे। सामाजिक कार्यकर्ता बीनो वर्गीस की शिकायत पर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए थाने के नौपाड़ा पेट्रोल पंप के पास एंटी एक्सट्रॉक्शन सेल और पुलिस खाद्य विभाग के अधिकारियों ने रेमडेसिविर और टॉसिलीज़ुमाब इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद इस गोरख धंधे में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5,18,500 रुपये के सामान जब्त किए गए हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके नाम है अरुण रामजी सिंह, सुधाकर शोभित गिरी, रविंद्र मोहन शिंदे, वसीम अहमद, अब्दुल अहमद शेख और अमिताभ निर्मल दास। कोरोना के ये पैंडेमिक के संकट के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना की लागण होने के वजह से रेमडेसिविर एंड और टॉसिलीज़ुमाब नाम के 2 इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन्स है, इसकी बहुत किल्लत है जगह जगह पर और लोग इधर उधर घूमते हैं मांगने के लिए। तो कुछ लोगों ने मार्केट में ये 2 टाइप के इंजेक्शन है जो 4,000 और 5,000 रुपये के दरमियान मिलते हैं, इनकी 25,000 और 80,000 में बिक्री कर रहे थे। इसकी टिप मिलने के बाद और हमारे सुपीरियर ऑफिसर माननीय सीपी साहब कंसाड़कर साहब, जॉइंट सीपी मेकला साहब, एडिशनल सीपी क्राइम पवार साहब और डीसीपी क्राइम दीपक देवराज, इनके मार्गदर्शन से वजह से और उनके मार्गदर्शन के मुताबिक थाना में ट्रैप लगा के 5 जन के टोली को पकड़ा है और उनको ताबे में लिया, उनकी इंक्वायरी चल रही है। काफ़ी दिनों से तो ये मीरा रोड से पुलिस स्टेशन में से जब मैंने लास्ट वीक में मैंने 2 आरोपी अरेस्ट हुए थे जो ट्रैक हुए थे, उसके बाद थाना में भी इसके काफ़ी रिक्वायरमेंट्स थे, काफ़ी दोस्तों को तो इन्फॉर्मेशन एक मिली थी एंटी एक्सट्रॉशन सेल में कुतमीरे साहब के पास से, और उस इन्फॉर्मेशन में वर्क करते हुए वो नंबर से हमने कस्टमर से आइडेंटिफाई करके उनसे मैं डील फिक्स किया। तो पहले तो वो देने वाले थे लेकिन फिर शॉर्टेज है बता के कि बाबा इसका शॉर्टेज है तो आपको अभी 25,000 पर इसमें वायल मिल पड़ेगा, हमको 9 वायल के रेमडेसिविर के इंजेक्शन के रिक्वायरमेंट थे। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं 3 का अरेंजमेंट करके दूंगा बट 25,000 ईच पड़ेंगे, तो वो हिसाब से डील 3 पेट्रोल पंप के यहाँ पे उनको बुलाया था, फिर वहाँ पे 2 वायल देते हुए उनको अरेस्ट किया, फिर उसी को लेके हुए उनके और जो साथीदार है वो नई मुंबई में है उनके पास से और बाकी कुछ कैंसर्स वगैरह की भी दवाइयाँ हासिल हुई। इसमें काफ़ी अवेयरनेस तो होना चाहिए। अभी जॉइंट कमिश्नर FDA सुनील भारद्वाज इन्होंने अभी विजिलेंस उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हुए यही चीज़ अवेयरनेस के रिगार्डिंग, वो इस काफ़ी फॉलो करे मैं यही कह रहा हूँ।